बिहार में उपचुनाव मोकामा में गोपालगंज से तेज है मतदान की रफ्तार, सुशील मोदी ने किया बड़ा दावा। बिहार विधानसभा की 2 सीटों के लिए उपचुनाव का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। मोकामा और गोपालगंज में भाजपा और राजद दोनों ही अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हम यहां दोनों सीटों पर मतदान से जुड़ा हर एक महत्वपूर्ण अपडेट उपलब्ध कराएंगे। बिहार में विधानसभा की गोपालगंज और मोकामा सीटों पर उपचुनाव का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। शुरुआती 2 घंटों में मोकामा सीट पर गोपालगंज की अपेक्षा करीब 2% अधिक मतदान हुआ। पूरे घटनाक्रम की लगातार मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ ही भाजपा के कार्यालय से हो रही है। इस बीच सुशील मोदी ने बड़ा दावा कर दिया है अनंत सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर। मोकामा में इस बार अनंत सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है। भाजपा की ओर से लल्लन सिंह की पत्नी सोनम देवी इस बार अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी का सामना कर रही है। भाजपा और राजद दोनों इस सीट पर जीत का दावा कर रहे हैं। 6 लाख से अधिक मतदाता आज डालेंगे वोट। बिहार विधानसभा की 2 सीटों गोपालगंज और मोकामा में उपचुनाव के लिए गुरुवार 3 नवंबर को वोट डाले जा रहे हैं। इसे लेकर दोनों जगहों पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। दोनों विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर कुल 6,12,720 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 6 बजे तक के मतदान में मोकामा के लोग आगे। निर्वाचन कार्यालय से जारी सूचना के मुताबिक शुरुआती 4 घंटे के मतदान में भी मोकामा के मतदाताओं ने गोपालगंज पर बढ़त बना रखी है। सुबह 11 बजे तक गोपालगंज में 21.76 जबकि मोकामा में 27.3% मतदान दर्ज किया गया है। गोपालगंज विधानसभा उपनिर्वाचन में 11 बजे तक 72,127 मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल कर लिया है। जमीन पर आने वाली है भाजपा जदयू बुला। इधर बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री और जदयू नेता श्रवण कुमार ने कहा कि भाजपा जल्द ही जमीन पर आने वाली है। उन्होंने सुशील मोदी के दावों को बताया। श्रवण कुमार ने कहा कि सुशील मोदी फिलहाल अपनी ही पार्टी में उपेक्षित हैं, इसीलिए कुछ भी बयान देते रहते हैं। नीतीश कुमार की ताकत का पता जल्द ही चल जाएगा। सुशील मोदी का कहना है कि नीतीश कुमार का छिपा हुआ संदेश जदयू कार्यकर्ता समझ गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा और लल्लन सिंह के आने जाने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जदयू के कार्यकर्ता इन दोनों से प्रभावित नहीं होते हैं। जदयू के कार्यकर्ता केवल नीतीश कुमार और RCP सिंह की बात मानते हैं। उन्होंने कहा कि राजद के साथ जाने के कारण वैसे भी जदयू का आधार वोट लवकुश खिसक गया है। सुशील मोदी ने कहा कि जदयू कार्यकर्ता भाजपा के साथ। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने दावा किया है कि जदयू के कार्यकर्ता राजद के साथ गठबंधन में खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि जदयू के कार्यकर्ता भाजपा की मदद कर रहे हैं, इसके लिए खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार में नहीं आकर कार्यकर्ताओं को संदेश दे दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हर गतिविधि में भाग ले रहे हैं, लेकिन उपचुनाव में प्रचार करने नहीं गए। हालांकि जदयू नेताओं ने सुशील मोदी के इस बयान को बकवास बताया है।